नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। अमृतसर में कनाडा से गोल्ड मेडल जीतकर हरप्रीत सिंह बिल्ला अपने गांव लौटे। दरअसल विश्व पुलिस खेलों का आयोजन कनाडा में किया गया था, जहां हल्का राजा सांसी के गांव कोहली के हरप्रीत अपने गांव लौटे, जहां हरप्रीत सिंह बिल्ला का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के लिए सरपंच शिरोमणि कमेटी के सदस्य भी उनके स्वागत में शामिल हुए। वहीं हरप्रीत सरकार से नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा, राजनीतिक या पुलिस विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। उन्होंने पंजाब सरकार से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान को प्रोत्साहित करने की मांग की। आज जी हरप्रीत सिंह मेरा छोटा नाम बिल्ला जी, बड़े मान वाली गल है जी। उन्हें मैं कहना पंजाब नैशनल कनेडा तो गोल्ड मैडल जीत के आया जी, वर्ल्ड तो वर्ल्ड पुलिस तो जी, बड़े मान वाली गल है जी। प्रीतम खाड़े जी मैं कहना जोर करता ही पदार्थ भलवान का चेला ही, तो मेहनत रंग आई जी पदार्थ भलवान की भी तो मुंडे की भी। पिंड वालों भी पिंड की पंचायत वालों मैं कहना बहुत सम्मान किया गया, तो पदार्थ और कोच साहब ने सम्मान किया गया जी। तो राजनीतिक अधिकारी देखो जी मैं कहना कोई नहीं पहुंचा जी। तो पहला जी देखो अंतरराष्ट्रीय जिदा नैशनल चो मैडल ही साढ़े नैशनल गेम चो एक कोई बाक्स यो एक घाट ही कि साडा कोई इंटरनेशनल मैडल नहीं जिदा बाद हमें वर्ल्ड पुलिस चो गोल्ड आया बहुत वधिया लगा जी। कोहाली का नाम उछाड़े का नाम उच्चा होया इलाके नहीं सरकार वालों, लेकिन अपने साढ़े पिंड नगर इलाके वालों बहुत खुशी महसूस की गई है। वधिया सरकार चलो आप नहीं निराशा कोई नहीं है जी, होर मेहनत करे मेहनत का फल है। चलो महाराज ने दसा यह है कि प्रमोशन हो जूगी वधिया चीज है। बाकी होंदा तो है कि जे कोई इलाके दे आउंदे लीडर कोई तो होर मुंडे बच्चे नूं खुशी हुंदी है। सानूं बहुत माण है साडे पिंड दा खाड़े दा नाम रोशन किया बिल्ला पहलवान ने, बाकी पदार्थ प्लान ने तैयार किया इहनूं ते वर्ल्ड तक इन्हें जाके रोशन ना की। तकरीबन इन 10-12 साल तो इन्हें मेहनत की। नहीं मौके से आए हुए कोई नहीं आया जी, नहीं सरकार ने इन्होंने फेल किया जी। सरकार से अज तक कोई इन्होंने सार नहीं लैन दी, जो सारा सरकार सार लैन तो यह काम क्यों नहीं। इन्होंने प्रधानमंत्री के वास्ते कोई मेहनत नहीं, इन्होंने नौकरी तो अगे कर दिया पंजाब पुलिस हूँ, बाकी इन्हें तरक्की चाहिए अभी तो इन्हें इंस्पैक्टर बनना चाहिए। अमृतसर पुलिस को तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल अमृतसर स्पेशल सेल को सूचना मिली कि तस्कर अवैध हथियार और नशीला पदार्थ लेकर तरन तारण से आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा इलाके में नाकाबंदी की गई। जब पीछे करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों की गाड़ी को रोका, तब तलाशी के दौरान अवैध हथियार और करीब 7 करोड़ रूपये की हीरोइन बरामद की गई। बता दें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमृतसर में एक बार फिर तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अवैध हथियार और ड्रग्स को लेकर अमृतसर के अलग अलग जगहों में सप्लाई कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी और तस्करों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर हमला भी किया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 1 किलो हेरोइन और अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किए। जी असी दसना चाहवांगे कि माणयोग SSP सतिंदर सर की अगवाई विच अमृतसर जिला दिहाती दी पुलिस वालों लगातार नशा विरोधी ते माड़े अंसर जिहड़े गैंगस्टर ने होर क्रिमिनल्स ने उन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसे कार्रवाई दे विच चलदिआं होइआं कल सानूं एक मेजर सक्सैस उदों मिलिआ जदों साडे इंचार्ज स्पैशल सैल इंस्पैक्टर अमनदीप उन्हां नूं एक इनफॉर्मेशन मिली कि गुरलाल सिंह सन ऑफ संतोख सिंह वासी धनोए खुरद एक नामी समगलर है जो ऑलरेडी साड़ी लिस्ट विच फिगर करता सीगा जी। असी अमृतसर में पाइप लगाने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। पूरा मामला राजा सांसी के गांव बुर्ज का है। दरअसल मृतक अपनी बेटी को लेने के लिए ननिहाल गया था, जहां मृतक के मामा को पड़ोसी से पाइपलाइन लगाने को लेकर विवाद हो गया। इसी बात के खुन्नस के चलते पड़ोसी ने युवक पर हमला बोल दिया, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਮਾਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
मैं ले आना अपने भरा नू बा के ओनू लैन गया उथे जांदे नू मामा उन्हां दा कहिंदा रोटी खा ला रोटी खाण लग पए उन्हां मंग सद्दी हां उन्हां नू पता भी नहीं लड़ाई उन्हां दी आपो च होंदी है नहीं होंदी मेरे पुत नू उन्हां मंग पवा के मार दित्ता ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਲ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਦੂਜਾ ਪੰਮਾ ਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੁਰਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਪਸੜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਛੁਡੂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡੀ ਸਾਹਿਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ 5-7 ਜਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਉੱਥੇ ਧੁੱਪਸੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਵੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ बटाला में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भाख्यू द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बता दें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बटाला में एक विशेष बैठक की जिसमें गुरदासपुर के किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों और मजदूरों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार से किसानों को हक का 10वां हिस्सा मजदूरों को देने की बात भी कही। दो तीन मुद्दे एक बटाला रोड चौड़ी हो रही है ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ 3-4 ਫੁੱਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 4 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਹਟਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਟਾ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ 2-4 ਇੰਚ 5 ਇੰਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਖੜਨਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਾਂ ਖਰਾਬਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਸੋੜਨ ਜੇ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੋੜਨ ਦੂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਧੁੱਤ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਕੁਚਲ ਦਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਗਾਉਂ ਦਿਓਨਾ ਕਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਰ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਪਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੁਚਲ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹਾ ਥਾ ਵਹੀਂ ਗਾਉਂ ਵਾਲੋ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਕੋ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਮਾਂਗ ਕੀ। ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ੈਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਰ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਸਰ। ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਚੜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੈਜੀ ਚਰ ਪੈਦਾ। ਕੌਣ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਆ?
बठिंडा में नशीला पदार्थ खरीद रहे युवकों को नशा विरोधी कमेटी ने पकड़ लिया। दरअसल बठिंडा में जगुआर कार से दो युवक नशीला पदार्थ खरीदते पकड़े पाए गए। बता दें बीते दिनों गांव वासियों की ओर से नशा विरोधी कमेटी बनाई गई और इस जगुआर कार का भी चर्चा की गई, जिसमें अक्सर लोग नशा खरीदने के लिए आते थे, जिसे कमेटी ने नशे के साथ पकड़ा और दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी है। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा फाइनेंस मिनिस्टर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरपाल सिंह ने कहा जहां पर बीजेपी सरकार है वहां औरतें सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने मणिपुर हिंसा की भी बात उठाई। हरपाल चीमा ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से मन की बात करते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों और औरतों की चीखें मोदी जी के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्यों कोई ठोस कदम वो नहीं उठा रहे हैं। सारे साथियों का सोशल मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया तो सारे का अज की इस प्रेस वार्ता च स्वागत है, वेलकम आ। अज एक बहुत अहम मुद्दे उत्ते जो कि देश दियां साडियां मामा भैणां दे नाल साडे बच्चियां दे नाल देश दे आदिवासी लोकां दे नाल अनुसूचित जाति जनजाति दलतां दे नाल जुड़िया मुद्दा गा उहदे ते अज गल करनी आ। पिछले कई महीनियां तो देश दे अंदर जिथे जिथे भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां ने गियां, जिहड़े सूबियां दे अंदर बीजेपी दी सरकारां ने गियां, भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां ने, उत्थे किस तरह औरतां दे उत्ते बच्चियां दे उत्ते लोकां दे उत्ते दलतां दे उत्ते अत्याचार हो रहे नेगे, किस तरह जगजननी औरत दी गल नूं जिहड़ा हैगा उह सुणिया नहीं जा रिहा, किस तरह बच्चियां दीआं चीकां मोदी साहब नूं सुणाई नहीं दे रहीआं। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट है। बता दें पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधित भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड करने वालों पर साइबर पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे निपटने के लिए 400 पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। जहां लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए 3 कंपनियां बाहर से बुलाई गई, जिसमें 1 CRPF, 1 मधुबन से और 1 IRB की कंपनी शामिल है। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। पूरा मामला फरीदाबाद संत नगर का है, जहां लोगों के घर के दरवाजे पर सीवर का पानी जमा हो गया है, जिसने आम लोगों को निकलना भी दुर्भर कर रखा है। वहीं समस्या को लेकर विधायक और बड़े आला अधिकारी तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं अब इसको लेकर स्थानीय लोगों ने घर से पलायन करने का निर्णय लिया है। ये संत नगर है जी, इसमें जो है सीवर जाम पड़े हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जो है सब परेशान है, रात को जो है निकलने बनने को भी जो है रास्ता नहीं है यहाँ पे, और न कोई नगर निगम सुनता है और ना ही कोई पार्षद यहाँ आता है न सुनता है। घरों में पानिया घुस रहे हैं और जो है एक दो बार जो है मकान गिर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता ही नहीं है, जो है कंप्लेंट दे दे के परेशान हो चुके हैं, बीमार पड़े हैं कि जो है मक्खी मच्छर जो है यहाँ पे जो है रात को उधेर के खा जाते हैं बच्चे, और उन्हें जो सब कोई मोटरसाइकिल से निकल रहा है जी, कोई वैसे पैदल निकल रहा है या पानी में है कहीं निकलना है, कहाँ है के जा कोई रास्ता ही है। सिटी की संत नगर कॉलोनी है, बहुत बढ़िया कॉलोनी है, हम तो इस कॉलोनी में हो गए परेशान, 1 साल से पानी भरा खड़ा है। नरेंद्र गुप्ता के पास जाते हैं, कहता है यहाँ आ जाती है श्रृंगार कर करके अपनी गलियों की सफाई करो, इसमें पानी निकलता नहीं, सफाई कहाँ से ऐसे करवाएगी है, बच्चे बीमार पड़े रोज हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, तो घर समुंदर बना पड़ा देखो, सारे घर आगे पूरी नीम भीली पड़ी है, ऊपर तक दरार आ रही है, विधायक नाते से तोड़ दो बिल्डोजर फेर दो, दुनिया एकदम ही चली जाएगी, जब भी पहले परेशान है जब भी परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, नरेंद्र गुप्ता तो एक दिन भी आके नहीं झांका। संत नगर है देख लो कैसी बढ़िया कॉलोनी है, 1.5 साल हो गया पानी भरे भरे, बालक ना स्कूल जा सके ना कोई हारी बीमारी, आप पता है ऐसे रात में अगर कुछ हो जाए तो कोई जाएगा ऐसे पानी में है, हाथ पैर दुनिया के टूट के नाली में ऊंचे नीचे में चल चल के नहीं है, बालक तो स्कूल जा रहे ना, आदमी जो बेचारे लेकर रहे कर रहे टट्टी में पानी, उनके एलर्जी हुई पड़ी है भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसे जो सरकार है ना हमें कभी ना चाहिए तो ऐसी सरकार। कितने महीना हो चुके हैं? 1.5 साल होगी, 1.5 साल, 1.5 साल से आप हाँ देख रहे हैं सर, थक गए हम डोल के नहीं है, कहीं सुनवाई ना हुई, हार के हम चुप बैठ गए, वो बेचारे टैंकर वाले आते हैं 4-6 टैंकर ले जाते हैं, सुबह इतना ही फिर मिलता है उन्हें भरा। नुह में हुई धार्मिक यात्रा में हिंसा के बाद आज पहली बार फरीदाबाद के गौरक्षा बजरंग फोर्स के बिट्टू बजरंगी कैमरे के सामने आए, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि
कि उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा है वो केवल धार्मिक यात्रा में पहुंचने से आधे घंटे पहले की थी और जिस धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ वो एक विशेष समुदाय की तरफ से भड़काई गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि जो विवाद था उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिससे जमानत लेकर वो अपने घर लौट चुके हैं। उस दंगे में नरसंहार हुआ और पूरा प्लान था कि मोनू मालेसर और बिट्टू बजरंगी के साथ जो भी महिलाएं बच्चे सनातनी भाई वहाँ पूजा करने आए थे, संगठन के लोग, सभी दलों के लोग, सबकी हत्या करके एक मैसेज दे दें कि अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह नारे लगाकर हमारी पूरी हत्या की साजिश थी। शांति पे ढंग से पहुंच चुके थे आप लोग, मंदिर भी पहुंच गए, अचानक से हमला हुआ, हाँ। क्या देखा आपने? देखो जी, ये हमारा प्रोग्राम कई महीनों से तय था और ये पहला प्रोग्राम नहीं था, पहले भी हमने यात्राएं निकाली हैं, और लेकिन 15 दिन से उनकी तैयारी थी। यूट्यूबर वाले जितने भी मेवात के चैनल हैं, आप सर्च मार लेना, मेरे कहने से नहीं, वो तो आ जाएंगे, कि उन्होंने बोला था, मोमन खान ने भी बोला था सदन में कि प्याज सी फोड़ देंगे। गुरदासपुर से सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर को रिश्वत लेते पकड़ा गया। पूरा मामला गुरदासपुर के सिविल अस्पताल का है जहां पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एम्बुलेंस चालक को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें, निजी एम्बुलेंस चालक ने शिकायत दर्ज की थी कि एम्बुलेंस चालक किराए में हिस्सा मांगता था, जिसकी शिकायत में आरोपी को पकड़ा गया। क्योंकि मैं 7 साल तो प्राइवेट एम्बुलेंस चला रहा हूं, आज तक मैंने कभी किसी अफसर ने गलत नहीं बोलिया, किसी एसएमओ साहब ने गलत नहीं बोलिया। तो कहने का भाव है भी ये नवा ड्राइवर आया वा, ये आया कोई 7 महीने पहला आया वा, बाजवे की ड्यूटी से आया, बाजवा रिटायर हो गया तो ये आया, तो रहन वाला चिट्ठा सिड़ा पिंड काला फगाना, तो इन मैनू सिविल च सरकारी ड्राइवर होने के नाते मैनू इन्हें कहा कि मैं महीने का 15 दिन मेरी ड्यूटी है, तो मैं तेरे को 8000 रुपया महीने का लेना, 15 दिन का 8000 रुपया लेना, 4000 रुपया मैनू तू सोमवार देना, 4000 रुपया तू मतलब दो शिफ्टां दे विच। होशियारपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला होशियारपुर के कंडी कनाल नहर का है जहां से नौजवान का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक नरनौल का निवासी है। वही परिवार का कहना है कि मृतक सागर की हत्या कर उसको नहर में फेंका गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। कपूरथला में स्वतंत्रता दिवस के चलते पुलिस द्वारा अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, कपूरथला पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी करके संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है। दिशा निर्देश मिले ने 15 अगस्त उस संबंध में लैके मुख रखते हुए असी नाके लाए आ, सिक्योरिटी चैकिंग, वहीकल चैकिंग, जो भी माड़ा बंदा सानू मिलता कोई शक के बिना उत्ते जिन्हों के कलंदरे देने वाले असं उन्होंने कलंदरे दे रहे हैं, चैकिंग जो भी सस्पेक्टर सानू लगता है उस मुताबिक उस बंदे ते कार्रवाई कर रहे हैं। कपूरथला में नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता बड़ी बढ़ रही है। बता दें, कपूरथला में नशे के चलते 2 युवकों की हत्या के बाद लोग सतर्क हैं, जिसके चलते नडाला के 6 गांवों की पंचायतें आज एकत्रित हुई, जिस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया और नशीली दवाओं का सेवन करने वालों और नशीली दवाओं को बेचने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। अगर कोई भी व्यक्ति इन गांवों में घातक दवा बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सारे पिंड रायपुर आइया चर्च एकत्र हो आप देखते हैं कि नशे का जरा रुझान इस टाइम सिखर ते हो गया। समय समय से असी अपने चर्च च उपराला करते रहे कि जी नशे न किसी तरह लगाम पाई जाए। पिछले हफ्ते तो लगभग सारे नगर न सारी सदा दिने पर बड़े दुखी मेरे तो पहला स्टीफन कॉलेज ने बहुत विस्तार दसिया
कि नशे की बदौलत साढ़े बच्चे किदा मर रहे ने। कुछ चंद लोग जोड़े पैसे की खातर नशा बेचते आ, उन्होंने ये नहीं पता कि कल साढ़े बच्चे भी इस दलदल च फस के मरने। सो बेनती है कि जोड़े लोग नशा बेचते उन्होंने चरणा च हाथ जोड़ के बेनती है ये काम तो बाज आ जाओ कि आने वाले बच्चे जोड़े आ इन्हों बचा लीए। आप चंद रुपया खातर अपने बच्चे की जिंदगी दाद ना लाइए। इस करके बेनती है कि नशा बेचना मेरी अपील आ कि नशा बेचना बंद कर, अपनी मेहनत की कमाई करके खाण ता जो आने वाला बच्चे उन्होंने भी सेफ रहन। सो इन गलां कहदिया जाचना जी। वाहिगुरू का खालसा वाहे। लुधियाना में दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप मच गया। पूरा मामला लुधियाना साउथ सिटी के पेट्रोल पंप का है, जहां दिन दहाड़े आरोपी गाड़ी से पैसों का बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है जब यह घटना हुई तो गाड़ी का ड्राइवर पंप पर पंचर लगवा रहा था, जबकि उसका मालिक पास ही में बैठा था। वहीं घटना संबंधी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बेसिकली ये करीब 5:40 के करीब आज सारा इंसीडेंट इतने वापरिया। तो फिर जदों ही सानू इनफॉर्मेशन मिली, साड़ी जिहड़ी पुलिस पार्टी है इमीजिएटली मौके पर पहुँची, तो असी सारी कुछ जिहड़ी हैगी आ पड़ताल कर रहे सीगे। बेसिकली जिहड़ा वाकिया सीगा, एक जिहड़े व्यापारी है उन्हां दी गड्डी दे विच एक बैग रखिया सीगा, बैग दे विच काफ़ी कैश सीगा, तो वह गड्डी पंचर हो गई। तो जदों पंचर हो गई तो इन्हां दा ड्राइवर इत्थे आया सीगा, पंप ते आया सीगा अपना पंचर जुड़वाउण लई। तो जदों वह आया, जदों वह उहनूं जुड़वा रहा सीगा तो पिछों एक बंदा आंदा है, तो वो इतने असी कैमरे भी चेक कर रहे, कैमरे चो भी सारा कुछ जड़ा है दिस रहा है। तो वो आके वो महेंद्रगढ़ के गांव जड़वा के सीआरपीएफ जवान श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। वहीं शहीद जवान महेश को क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें हाल ही में महेश अमरनाथ यात्रा में तैनात थे। जवान महेश का पार्थिव शरीर बुधवार को दिल्ली पहुंचा, जहां से उनके पैतृक गांव पार्थिव शरीर को लाया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जड़वा गांव के महेश सिंह जी ये कमांडो थे और हमारे जड़वा गांव के नौजवान थे। इनकी अमरनाथ बाबा के वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, सीओ की कमांड में ये थे। वहाँ ये हादसा हुआ और ये शहीद हो गए। ये बड़े अच्छे परिवार से और इन्होंने हमारे जड़वा गांव का, पूरे इलाके का, सबका नाम रोशन इन्होंने किया है। और आज पूरा इलाका, पूरा जिला, सभी जिले के अधिकारी सभी आए हुए हैं। हमारे ऊपर बड़ी दुख की घड़ी है। आज हमारे गांव सब जड़वा के महेश कुमार शहीद हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर, पूरे इलाके ऊपर बहुत ही दुख की घड़ी है। हम माँ भवानी से, इस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि महेश कुमार को अपने चरणों में जगह दे और सबके ऊपर अपनी छति छाया बनाए। महाराज जी क्या तैनात थे? ये अमरनाथ यात्रा के जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात थे। कब हुए थे ये? सही, ये परसों की बात है, 5 तारीख। नाम था महेश सिंह शेखावत, ये 79 बटालियन श्रीनगर में पोस्टिंग थे, मशीन क्लब में। बहुत अच्छा जवान था, पहले 2011 का भर्ती है और एनएसजी में भी रहा है, आरएफ में भी रहा है, वर्तमान में श्रीनगर में ड्यूटी में था है। और ड्यूटी के दौरान एक हादसा हुआ, एक पेड़ के गिरने से, और उनको चोट लगी, हॉस्पिटल एडमिट कराया। काफ़ी लोगों ने कोशिश की लास्ट टाइम तक, लेकिन हम नहीं बचा पाए। उनकी परिवार प्रति हमारी सहानुभूति है, हम उनकी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जितना लोगों का यहाँ पे प्यार मान सम्मान दिया है इनको, ये देश। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को आज उनकी जयंती पर गृह जिला सिरमौर में याद किया गया। जिले के विभिन्न स्थानों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें बीजेपी अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मालरोड पहुंचे और वाईएस परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल निर्माता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। 4 अगस्त का दिन है, पूरा हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल के लिए योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने सदैव हिमाचल को एक विकसित प्रांत के रूप में, पहाड़ी राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में
ऐसा विचार किया, चिंतन किया, दिशा दी। आज लंबे समय के बाद भी उनके द्वारा दिखाया गया 4 अगस्त का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।